मैं पूर्णा विश्वकर्मा आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। जनपद सिद्धार्थनगर में संपन्न हुआ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम। सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यालय नौगढ़ के जेल के बगल मैदान में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां 167 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इन जोड़ों में 130 जोड़े हिंदू व 37 जोड़े अल्पसंख्यक समुदाय के थे, जिनका विवाह उनके धर्म के रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। इस अवसर पर यूपी सरकार के वैसे शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी व डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, सदर विधायक राम श्याम धनी राही, सोहरतगढ़ विधायक अमर सिंह चौधरी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि यह शासन की योजना है, जिनमें 51,000 रुपये लाभार्थियों को दिए जाते हैं, साथ ही जरूरत का कुछ सामान भी शासन की तरफ से उपहार स्वरूप दिया जाता है। आज 167 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश के वैसे शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश त्रिवेदी ने इस योजना को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को सरकार लोगों की बेटियों को अपनी बेटी मानकर विवाह संपन्न कर रही है। देखिए, आपको अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चालू की थी, सामूहिक विवाह योजना, जिसमें पैसा बढ़ के आज के टाइम पे 51,000 रुपए मिल रहा है। और उसी के क्रम में पहले 183 शादी आपके यहाँ पे जनपद में इस वित्तीय वर्ष में हुई थी, दूसरी आज 167 शादियां हुई हैं, जिसमें 37 अल्पसंख्यक जोड़े हैं उसमें से। तो काफी और भी कोशिश की गई है कि अगले एक महीने में, जो अब क्योंकि अब आपके शादियों का अब एक तरीके से लगन स्टार्ट हो गया, जो अगले 14 तारीख तक दिसंबर तक चलेगा, तो एक और प्रयास रहेगा कि अगले 15-20 दिन में 200-250 जोड़ों का और इकट्ठे करके और 14 तारीख से पहले दिसंबर में और भव्य कार्यक्रम करवा के उनकी शादियां करवाएं। और देखिए, ये आप लोगों को भी पता है कि बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें 10,000 रुपये का उनको चाहे वो डिनर सेट हो, उसमें बिछिया हो, पायल हो, और भी कुछ फैन हो, घर की घर गृहस्थी के सामान दिए जाते हैं। 35,000 रुपये के आसपास 35,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्टली जाता है और 6,000 रुपये जो है वो व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं, जिसमें टेंट, डिनर और ये सब कुछ है। तो इसी के क्रम में आज सभी अतिथिगण भी मान्य बेसिक शिक्षा मंत्री, सांसद जी, विधायक सौरतगढ़, कपिल वस्तु सब लोग आए, उपस्थित हुए, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया और हमारी भी सबकी शुभकामनाएं जो नए जोड़े हैं जिनकी। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सभी ऐसी बेटियों के पिता की भूमिका में हैं जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, असहाय हैं, किसी न किसी कारण से जो इस बात को लेकर के संकट में रहते थे कि उनके पास व्यवस्था नहीं है, वो बेटी के लिए टेंट, बैंड, बारातियों का स्वागत, इन सबका इंतजाम कैसे करें, बिटिया के लिए गृहस्थी की जरूरी सामान कैसे जुटाएं, बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाते थे। इसलिए जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, ऐसे परिवारों की बेटियों को सरकार अपनी बेटी मान करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन करती है और सभी जिलों में, और कई बार तो जब जोड़ियां इकट्ठा हो जाती हैं तो तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी शादियां होती हैं और इतना भव्य समारोह होता है कि मंत्री, सांसद, विधायक, सभी अधिकारी बेटी के तरफ से भी और बेटों के तरफ से भी उपस्थित होकर के बड़े भव्य ढंग